जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो आप सबसे पहले चार्ट ओपन करते हो। चार्ट ओपन करने के बाद आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप कौन से टाइप का चार्ट देखोगे। आप लाइन चार्ट देखोगे, कैंडलस्टिक देखोगे, बार चार्ट देखोगे, हाई कनाशी या पॉइंट एंड फिगर, बहुत सारे चार्ट्स हैं। तो आप हमेशा सोचते हो कि इसमें सबसे अच्छा कौन सा है, लेकिन हर चार्ट की कुछ पॉजिटिव साइड होते हैं और कुछ नेगेटिव साइड होते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम समझेंगे कि कौन कौन से टाइप ऑफ चार्ट्स होते हैं और उनके एडवांटेज या लिमिटेशंस क्या हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और समझिए कि आपके लिए कौन सा बेटर चार्ट है। तो टेक्निकल थर्सडे, जहां पर हम हर थर्सडे कोई ना कोई टेक्निकल टॉपिक के बारे में बात करते हैं, आज मैं आपसे बात करूंगा टाइप्स ऑफ चार्ट्स के बारे में। अब ये टाइप्स ऑफ चार्ट्स क्या होते हैं, आप कभी भी अगर अपनी स्क्रीन ओपन करते हैं तो सबसे पहले आप यहां पर जाते हैं और आप सिलेक्ट करते हैं कि आप बार चार्ट देखेंगे, कैंडल देखेंगे, हॉलो कैंडल देखेंगे, कॉलम्स देखेंगे, लाइन, एरिया, बेस लाइन, ऐसे करके आपको बहुत सारे चार्ट टाइप्स आते हैं और आप ये डिसाइड करते हो कि इसमें से आप कौन से चार्ट को स्टडी करोगे। तो चलिए आज मैं सारे तो एक बार में नहीं करूंगा, ये दो पार्ट का हमारा वीडियो है। पहले पार्ट में मैं आपको जो पॉपुलर चार्ट पैटर्न्स हैं मैं आपको उसके बारे में बात करूंगा और अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो कि नॉन कन्वेंशनल है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो सबसे पॉपुलर है, जो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, वो आपको दिखेगा कैंडलस्टिक चार्ट। अब ये कैंडलस्टिक चार्ट होता क्या है, कैंडलस्टिक चार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से बना होता है। ये पॉपुलर क्यों है, क्योंकि ये आपको ओपन, लो, हाई और क्लोज, कई लोग इसे ओपन, हाई, लो और क्लोज भी कहते हैं, OHLC, यानी कि मार्केट ओपन यहां पर हुआ, क्लोज यहां पर हुआ, लो यहां पर बनाया और हाई यहां पर बनाया। तो ये जो चारों इंफॉर्मेशन है, ये चारों इंफॉर्मेशन आपको मिल पाती है कैंडलस्टिक चार्ट में। इसे कैंडलस्टिक चार्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये आपको कैंडल की तरह, ये जो बॉडी है ये कैंडल की तरह दिखती है। तो ये आपकी हो गई बॉडी और इसे हम कहते हैं विक्स या हम कहते हैं शैडो, ठीक है। तो अब आप देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब अगर आप एक कैंडल देखोगे तो वो कैंडल आपको पूरी की पूरी स्टोरी बता देगी। कैसे बता देगी स्टोरी, उसको देखिए। अब अगर ये ग्रीन कैंडल है, सपोज ग्रीन कैंडल है, तो आपको एक चीज पता चल जाएगी कि मार्केट नीचे ओपन हुआ था, क्लोज इसने ऊपर दिया है, ये हाई हो गया, ये लो हो गया। एग्जाम्पल के लिए 500 था और ये 520 था। अब अगर ये हाई है 550 का और सपोज लो है 470 का, तो आपको एक चीज पता चल जाएगी कि जो मार्केट है ये बॉडी तो 20 रुपए की बनाया है, ओपन और क्लोज के बीच में गैप तो 20 रुपए का है, लेकिन दिन भर में उठापटक इसने 80 रुपए की कर दी है। ये कहां से पता चला आपको, आपको पता चला यहां से। अभी जब आप देखते हो एक रेड कैंडल, तब आपको पता चल जाता है ओपन ऊपर हुआ था, क्लोज नीचे हुआ था, हाई है, लो है, प्राइस ये भी हो सकता है कि ये 400 रुपए में ओपन हुआ, बंद किया 380 में, हाई बनाया 420 का और एक बार लो बनाया दिया था 370 का। तो दिन भर की उठापटक जो है आपको पता चल जाती है कैंडलस्टिक चार्ट से। तो जो अलग अलग चार्ट्स यूज होते हैं उसमें सबसे पॉपुलर जो है एज ऑफ डेट वो है कैंडलस्टिक चार्ट। तो अब कैंडलस्टिक चार्ट और क्या करता है, कैंडलस्टिक चार्ट में ना ऐसे बहुत सारी चीजें रहती हैं। मैंने चार्ट पैटर्न के ऊपर में एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, डिटेल्ड वीडियो, आप उसे देख सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको बताता हूं
कि चार्ट पैटर्न्स में आपको क्या क्या समझ में आएगा। देखिए जैसे अगर मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे आपको कोई बॉडी दिख रही है, कोई बॉडी नहीं है, इसका मतलब मार्केट ओपन भी यही हुआ, क्लोज भी यही हुआ, हाई भी बनाया और लो भी बनाया, इसका मतलब पहले मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, बाद में मार्केट ने यू टर्न लेके वहीं बंद किया, यानी मार्केट कहीं पे भी नहीं जा रहा है, इसे हम कहते हैं डोजी। तो आप देखोगे ये जो कैंडलस्टिक चार्ट्स हैं, ये जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट्स हैं, इनका जो ओरिजिनेशन हुआ है वो जापान में हुआ है। तो यहाँ पर आपको बहुत अलग अलग टाइप के नाम दिखेंगे, मारो गुजो डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, राइट, तो ड्रैगन फ्लाई, तो ऐसे बहुत सारे नाम्स हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दिया है, यहां पर आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में और उनको यूज कैसे करना है उनके बारे में पता चलेगा। लेकिन आज का वीडियो है, मुझे आपको अलग अलग चार्ट्स के टाइप्स के बारे में बताना है। तो मैंने कैंडलस्टिक आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है, ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। चलिए मैं आपको एक बार इसे चार्ट्स में भी दिखा देता हूँ। देखिए ये कैंडल देखकर आप बता सकते हो कि मार्केट में हो क्या रहा है, यानी कि मार्केट का दिन कैसा गया। अब आप यहां पर देखिए, आप देखिए पूरी बॉडी बॉडी है, कोई विक्स नहीं है, कोई शेडो नहीं है, इसका क्या मतलब है, मार्केट प्योरली नेगेटिव था। अब आप देखिए मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ था, क्लोज यहाँ पे हुआ, नेक्स्ट डे ओपन तो यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे गया, मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहता है। अब आपको यहाँ पर भी एक पैटर्न दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे है, गैप अप ओपनिंग करता है, लेकिन नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपनिंग करता है, ये बहुत तगड़ा सेल सिग्नल होता है, तो मार्केट यहाँ से नीचे आया। तो देखिए आप अगर चार्ट पैटर्न्स को ठीक तरीके से समझेंगे तो आपको यूज समझ में आएगा कि आपके लिए क्या ये जरूरी है कि आप इस कैंडलस्टिक को देखें या ना देखें। अब एक सेकेंड मोस्ट पॉपुलर जो चार्ट टाइप होता है, वो चार्ट टाइप होता है लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट बहुत सिंपल है, ये क्लोजिंग प्राइसेस को लेता है, और आप और हम जो चार लाइंस बचपन में बनाते थे कि भाई ये ऊपर जा रहा है या ये नीचे जा रहा है, तो आप देखोगे ये कुछ इसी तरीके से बनता है। तो ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ क्लोजिंग 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 को ले रहा है, ठीक है। तो लाइन, तो आपको लाइन चार्ट कब यूज करना चाहिए, लाइन चार्ट दो तीन सिचुएशन में बहुत अच्छा होता है। वो दो तीन सिचुएशन क्या है मैं आपको वो भी बताता हूं। सपोज अगर मैं आपको कैंडलस्टिक चार्ट्स देता हूं और मैं आपको कहता हूं कि यहां पर आपका काम है सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना, तब आदमी क्या करता है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है, मैं विक्स को जोड़ू यानी हाइस को जोड़ू, लोस को जोड़ू कि बॉडी को जोड़ू। लेकिन जब आपके सामने में यही चार्ट कुछ इस तरीके से आता है तो आपके लिए आपकी लाइफ एकदम सिंपल हो जाती है कि भाई अगर मुझे एक सपोर्ट एरिया बनाना है तो आपने क्या कर दिया, यहां पर देखिए यहां पर जैसे आपने ये बनाया तो आप देखेंगे ये लाइन भी यहाँ पे टच हो रही है, ये लाइन भी टच हो रही है और ये लाइन भी यहाँ पे टच हो रही है। तो देखिए ये क्या करता है, आपको बहुत विजुअली नॉइस रिड्यूस कर देता है जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह देखना चाहते हैं। इसके साथ अगर आप डाइवर्जेंसेस को देखना चाहते हो या वेस्टर्न क्लासिकल पैटर्न्स यानी ट्रायंगल्स वगैरह को देखना चाहते हो तो उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होता है, और आप बहुत इजीली देख सकते हो कि ये पैटर्न्स कहाँ पे बन रहे हैं। देखिए जैसे ये, तो जब आप इसे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पर एक डाइवर्जेंस बन रहा है। तो देखिए लाइन चार्ट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कहीं कहीं पे हमें हेल्प करता है, कैंडलस्टिक चार्ट तो इंपॉर्टेंट है ही है क्योंकि वो मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब मैं आपके सामने एक और चार्ट रख रहा हूं जो कि बहुत यूजफुल होता है, वो होता है बार चार्ट। बार चार्ट को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको ओपन हाई लो और क्लोज देता है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट उतना फेमिलियर या उतना आई प्लीजिंग नहीं है
जितना आपको कैंडलस्टिक चार्ट में दिखता है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत अच्छा काम करता है, एटलीस्ट मेरे लिए। वो मुझे हेल्प करता है ट्रेंड लाइंस बनाने के लिए। तो सपोज आज मैं ये निफ्टी का चार्ट देख रहा हूं और मैं आपको कहता हूं कि मुझे एक ट्रेंड लाइन बनानी है, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाना। देखिए, मैंने इनको नोट किया, ये मेरी एक ट्रेंड लाइन बनी और मेरे लिए ये ट्रेंड लाइन का ब्रिज यहाँ पे। अगर मैं अगली ट्रेंड लाइन बनाना चाहूँ तो मैं ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ। तो याद रखिए, ट्रेंड लाइन बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है अगर आप बार चार्ट्स के थ्रू बनाओ। बहुत इजीली एक बनता है, बहुत आराम से बनता है, कंफ्यूजन बहुत कम होता है। अब मैं जो आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, लास्ट में मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कैसे बनता है देखिए। वो बहुत ही यूनिक है। यूनिक कैसे है? ये हाई लो चार्ट है, ये हाई लो चार्ट है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे कि एक बॉडी बनी हुई है, ये बॉटम आपको सॉरी, ये बॉटम जो है आपको लो बता रहा है और ये जो है ये आपको हाई बता रहा है। तो अगर आप एक रेंज ब्रेकआउट पकड़ना चाहते हो अपसाइड या डाउनसाइड के लिए, तो आपको इसे यूज करने की आदत डालनी चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि ये आपके लिए नया होगा, लेकिन अगर आप इसकी आदत डाल लेते हो तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए, जैसे आज अगर मैं आपको कहूं ये बजट का लो है और ये बजट का हाई है जो कि कुछ दिनों पहले टच हुआ है, तो अगर मैं ये देखूं 25 जनवरी से अभी तक का पूरे एक महीने का अगर मैं हाई लो देखूं, तो मुझे पता चल जाता है कि निफ्टी का लो 545 का है और हाई 142 का है। तो निफ्टी पूरे एक महीने में इस रेंज में ट्रेड किया है। तो अगर मार्केट इस रेंज को ब्रीच करता है तो वो आपको बताएगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आप कभी भी, जब कभी भी आप मार्केट को देखते हो तो आपको समझना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी आपको ये चार चार्ट्स के टाइप्स बताए, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट और ये हाई लो चार्ट। तो ये था हमारा पार्ट वन। तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो जो मैं आपको अगला वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट थर्सडे के लिए, टेक्निकल थर्सडे का, वो बहुत ही मजेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि वहां पर हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिव यानी रेनको यानी कागी यानी पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स की। तो बने रहिए हमारे साथ। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स पर बताइए आप ऐसे कौन से टॉपिक पे चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाकर आपके सामने लाएं।